तो अभी हम देखो खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं। लाइव क्यों जाओ? अरे तो हमें यहाँ पे पता चला ये इस बंदे को जूते लेने। तो ये देखो कहाँ पे लेके जा रहा है हमें जूते लेने। हेलो गाइज, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो आज ना, आज संडे है और आज एग्जाम है मेरा, और सबको मेरी तरफ से हैप्पी क्रिसमस। आज क्रिसमस भी है, तो आज जो मेरा एग्जाम है वो है मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का एग्जाम है, वोकल का, मतलब रिटन टेस्ट है। वाइवा तो पता नहीं, शायद मई में होगा, तो आज रिटन टेस्ट है। तो यहाँ से अराउंड 5-6 किलोमीटर है, सेंटर है मेरा, तो वहाँ पे जाना है मेरे को। तो एग्ज़ाम जो है 10 बजे, अभी 9:05 है। तो मैं जस्ट नहा वहा के एकदम फ्रेश हो गया हूँ, तैयार हो गया हूँ, जल्दी से खाना खा लेता हूँ पहले, और पहले वानी से भी मिलवा देता हूँ। ये तो यहाँ पे मम्मी जी मालिश कर रहे हैं वानी की। वानो हेलो कर दो, हेलो कर दो, हेलो कर दो। बाय, ऑल द बेस्ट बोल दो मेरे को, एग्जाम है मेरा आज। ऑल द बेस्ट बाय। ये देखो गंदी राज, रात तो इतनी रोई की पूछो मत। तो अभी मैं कर रहा हूँ ब्रेकफास्ट, दही और आलू बैंगन की सब्जी। ब्रेकफास्ट हो गया मेरा, तो अभी मैं निकल रहा हूँ। तो अभी देखना पड़ेगा गाड़ी से जाना है कि स्कूटी से जाना है। सबसे पहले मैं अपने गुरुजी को कॉल कर लेता हूँ पहले कि वो आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर वो आ रहे हैं तो फिर गाड़ी से जाना पड़ेगा। और हाँ, मतलब वानी जो है ना, रात को क्या बताऊँ, मतलब भाभी जी की तो नाइट ड्यूटी थी, तो वहाँ पे गए थे, तो 2 बार उठी है रात को, और इसको सिर्फ कहा रोती बहुत ज़ोर से, लेकिन उसको दूध पिलाओ तो फिर दूध पी के सो जाती है। तो मैं जा रहा हूँ स्कूटी से, क्योंकि गाड़ी का ना एक आगे का जो लेफ्ट टायर होता है ना, वो पंचर हो गया, नहीं तो उसमें जाते, लेकिन स्कूटी से जाने तो पूरी फुल कवरिंग, बहुत ठंडा है यहाँ पे, एकदम ग्लव्स व्लव्स लेके। ठीक है, ओके बाय वानू। वो देखो वहाँ उसके आगे कितना धुंध पड़ी है, वहाँ पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो एग्ज़ाम ख़त्म हो गया मेरा, यहाँ पे था इस बिल्डिंग में, यहाँ पे था एग्ज़ाम। ये भी किसी गुरुजी का घर है, और यहाँ पे स्कूटी खड़ी की थी मैंने। तो ना एग्ज़ाम एकदम तगड़ा गया, मस्त मज़ा आ गया, देखे पहली बार दिया मैंने एग्ज़ाम ये। तो अभी चलते हैं घर। यहाँ पे मैं अभी आया ना, मैं पहली बार आया हूँ, तो यहाँ पे खतरनाक गलियाँ हैं, तो समझ नहीं आ रहा कहाँ कहाँ जाना है, बार बार रुकना पड़ रहा है मैप देखने के लिए। तो मैं वापस आ गया हूँ घर, मज़ा आ गया पेपर देखे। और वहाँ पर जाने को खासा खतरनाक, एक तो 5-6 किलोमीटर था, और ऐसे गलियों गलियों में, और एक गली में मैं घुसा तो वहाँ पे आगे कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और मैप में वही रास्ता बता रहा है। मतलब किस्मत इतनी ख़राब होती है ना, कि मैप जो रास्ता बताता है ना, उसी में कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है। और वापस तो फिर मैप देखते देखते आ गया जल्दी जल्दी से। अभी जस्ट पहुँचा घर, भूख लगी है, सुबह सिर्फ 2 रोटी खाई थी, अभी मस्त दाल चावल खाते हैं। और एक और अभी प्लान है मेरा अकेले का बाहर जाने का, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो मैं ना अभी जा रहा हूँ अपने दोस्तों से मिलने, काफ़ी पुराने दोस्त हैं, मतलब 8th 9th 10th क्लास के दोस्त हैं, जो आज मिल रहे हैं मेरे को इतने सालों बाद। उनका कॉल आया अचानक से कि वो यहाँ पे हैं दिल्ली में। तो मैं जा रहा हूँ मेट्रो से, सबसे पहले यहाँ से ऑटो रिक्शा लिया। तो मैं दिल्ली हाट INA में पहुँच गया हूँ, यहाँ पे आना था मेरे को, यहाँ पे फ्रेंड आ रहा है लेने, मेरे को नहीं पता कहाँ जाना है। यहाँ पे है ऐसे अलाउड तो है ना, ये तो ये है सौरभ। हाय गाइस। अच्छा तो ये देखो, ये सोसाइटी यहाँ कितनी खतरनाक सोसाइटी है, यहाँ पे रह रही है। अच्छा कौन सा फ्लैट है तुम्हारा? अच्छा यहाँ पे कहीं पे तो है, लेकिन ये सोसाइटी बहुत मस्त है। ये है प्रशांत, ये है सौरभ, और एक और बंदा है, और ये है अमर। अभी हम जा रहे हैं साकेत, वहाँ पे घूमने जा रहे हैं, पता नहीं अभी कहाँ। तो अभी हैं हम मालवीय नगर में, और यहाँ से जा रहे हैं सेलेक्ट सिटी वॉक, एक मॉल है बहुत बड़ा, तो वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे घूमेंगे थोड़ा हम। ये देखो यहाँ पे कितना सारा जाम है। तो अगर हम मेट्रो स्टेशन से ऑटो वगैरह में आते ना, तो यहीं पे फंसे रहते, इसलिए हम पैदल ही निकल लिए सेलेक्ट सिटी वॉक तक। और ये है मैक्स हॉस्पिटल है, हम फाइनली पहुँच चुके हैं सेलेक्ट सिटी वॉक। मैं दिखाता हूँ यहाँ से, ये देखो ये पहुँच गए हम सेलेक्ट सिटी वॉक, लेकिन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि आज क्रिसमस है ना भाई, यहाँ पे भीड़ तो बहुत है,
है ना, सब क्रिसमस के आए हैं सब। ये देखो बहुत ही भीड़ है आज, आज ना पूरी दिल्ली के लोग आ गए यहाँ पे। तो हम लगे हैं अभी बाहर जाने की लाइन में, पता है। हम जस्ट आए हैं अभी, हम आते ही बाहर जा रहे हैं। बाहर जाने के लिए भी लाइन लगी है। ये रहा देखो सिलेक्ट सिटी वॉक। यहाँ पे कुछ तो चल रहा है, पता नहीं क्या, अभी बहुत भीड़ दिखाई नहीं दे रहा। ये सबसे मस्त लग रहा है मेरे को झूमर, यहाँ पे बहुत ही भीड़ है। तो अभी मैं और अमर बैठे हैं यहाँ पे टेबल पे, प्रशांत और सौरभ गए हैं ऑर्डर देने। अभी क्या लाते हैं ऑर्डर में वो हम जब आएगा यहाँ पे टेबल में तभी पता चलेगा। वैसे तो हम KFC खाएंगे, KFC से कुछ ऑर्डर करेंगे, अभी बोला है उनको, पता नहीं कब आएंगे। हमारा पहला ऑर्डर आ गया KFC से। ये है हमारा आज का खाना, ये एक प्लेट आई है मेरे लिए। तो हम मॉल से वापस आ गए, अभी वापस जा रहे हैं घर, अभी तक फिलहाल सौरभ के घर ही जा रहे हैं। तो अभी हम देखो खतरनाक रास्ते से जा रहे हैं। लाइव क्यों जाओ, हमें यहाँ पे पता चला ये इस बंदे को जूते लेने। तो ये देखो कहाँ पे लेके जा रहे हैं हमें जूते लेने, वो देखो। वो चलो शुक्र है। तो यहाँ पे अच्छा शू एग्जीबिशन है यहाँ पे, हम जा रहे हैं, पता नहीं अंधेरा है, देखते हैं हम उस तरफ निकल पाएंगे ना निकल पाएंगे। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। कोहरा नहीं, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। ये देखो क्या जूते लगाए इन्होंने यहाँ। अच्छा यहाँ पे अंदर दुकान होगी सर, ये रहा, यहाँ पे देखते हैं अभी किधर। अच्छा आग वाग, तो सौरभ गए आग सेकने और हम यहाँ पे जूते लेने आए। आ जा भाई देख ले जूते। ये देखो तो हम जा रहे हैं वापस, जूते ऐसा बोल रहे थे कि मतलब 200-250 होंगे, अंदर आ गए तो 3,000 के जूते दे रहे हैं। वो भी फर्स्ट कॉपी आए क्या, अभी एंट्री करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं मेट्रो से वापस। तो अभी टाइम हो रहा है 10:30 और अभी मैं निकल रहा हूँ यहाँ से घर के लिए, यहाँ से मेट्रो लूँगा। तो ये मेरे को छोड़ने जा रहा है, ये है हमारा दोस्त। मैं जा रहा छोड़ने के ही मर ना जाएगा। ठीक है बाय। ये क्या हो गया, ये फ्लैश लाइट है। अच्छा बाय भाई, मिलते हैं। तो मैंने मेट्रो स्टेशन में एंट्री ले ली है, तो भी चलता हूँ जल्दी से घर, 10:30 हो गए, बहुत लेट हो गया। फाइनली मैं घर पे पहुँच गया, अभी अभी टाइम हो रहा है 11:30, तो 1 घंटा लग गया पूरा मेरे को घर पे आने के लिए। आज तो बहुत कुछ हुआ, जब हम वहाँ पे जा रहे थे ना मॉल पे, जैसे ही मेट्रो पे जाने लगे तो दरवाजा बंद हो गया और मैं बीच में मैं बाहर आ गया, फिर दरवाजा फिर से खोल दिया उन्होंने। ये वाला सीन बहुत तगड़ा हुआ था। तो हम ना वहाँ पे दो दोस्त थे, वो एक तो सौरभ था और एक प्रशांत है। ये सौरभ तो बहुत काफ़ी पुराना दोस्त था मेरा, और जो प्रशांत था वो शिलोंग में बना था 8th क्लास में, और फिर और जो एक और बंदा था अमर, वो प्रशांत का दोस्त था, तो वो भी आया था, उससे भी काफ़ी अच्छी दोस्ती होती। बहुत मस्त घूमे फिरे, मॉल में गए, वहाँ पे खाया पिया, मस्त मज़ा आ गया। अभी घर पे आ गया, अभी वानी के साथ खेलूँगा, और वानी सो के उठ भी गई है, अभी पता नहीं कब सोई गई है। अभी वानी से खेलेंगे, आज भी भाभी जी की नाइट ड्यूटी है, वानी आज रात को फिर से तंग करेगी हमें, है ना? है ना? ले पकड़ बना ब्लॉग। हेलो कह दो, हेलो हेलो कह दो, हेलो कह दो, गुड गर्ल उषा से कह दो, गुड गर्ल। आ ठंडे बर्फ आ, इसके हाथ ठंडे बर्फ की तरह। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। कितनी हजरी।